आज हम दोस्त फुल एचडी में मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, मोलारिटी को हम लोग प्यार से मोलरता कहते हैं और मोलारिटी का सिंबल हो गया आपका दोस्त कैपिटल एम। यहाँ पर देखिए दोस्त, आखिर ये मोलारिटी होता क्या है? तो मान लेते दोस्त, ये हमारा बर्तन है, ये हमारा बर्तन है और इस बर्तन में हमारा एक लीटर का सोल्यूशन प्रेजेंट है, 1 लीटर का सोल्यूशन प्रेजेंट है और बाहर से हम लोग इसमें सोल्यूट डाल रहे हैं, बाहर से हम लोग सोल्यूट डाल रहे हैं। देखिए दोस्त, मोलारिटी का मतलब ही निकल गया, एक लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है वही हमारा मोलारिटी कहलाता है। तो हम तो जनरल लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले, लैंग्वेज हमारा दोस्त, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या को ही हम लोग मोलारिटी कहते हैं। और दोस्त मोलारिटी का फॉर्मूला पे आते हैं, तो मोलारिटी बराबर हो गया दोस्त, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो हमारा लीटर में होना चाहिए, तब हम लोग को मोलारिटी प्राप्त होगा। तो आखिर दोस्त मोलारिटी को दिखाएंगे कैसे? तो मोलारिटी का सिंबल हो गया आपका कैपिटल एम और सॉल्यूट के मोल की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से दिखाएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग वी से दिखाते हैं। तो मोलारिटी बराबर हो गया एन बटा वी। यहां पर देखिए दोस्त, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो गया हमारा। इक्वेशन वन को हम लोग दोस्त लिख सकते हैं, मोलारिटी बराबर था दोस्त हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल का मतलब है मास बटा मोलर मास, तो मास सॉल्यूट का लेंगे और मोलर मास की सॉल्यूट का लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर लिख दिए दोस्त मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अब बटा में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख दिए। ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन की मदद से लिख रहे दोस्त। अब हम दोस्त मोलारिटी का यूनिट पे आते हैं, तो मोलारिटी का यूनिट हो गया ऊपर में मोल होगा आपका, क्योंकि आप सॉल्यूट को मोल में ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे मोल ले लिए, और हमारा जो सॉल्यूशन है उसको वॉल्यूम के रूप में लीटर में ले रहे हैं, यहाँ पर बटा में हो गया आपका लीटर। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मोल था तो मोल लिख दिए और लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तब बन जाएगा आपका पर लीटर, तो मोल पर लीटर का सिंबल हो गया कैपिटल एम और कैपिटल एम को हम लोग मोलर कहते हैं। और तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है सॉल्यूशन का मोलारिटी। देखिए दोस्त, यहाँ पे मोलारिटी बराबर हो गया आपका मोल पर लीटर, जहां पर लीटर हमारा वॉल्यूम है, यहां पर देखिए दोस्त जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा आपका टेम्परेचर होता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, अगर हम दोस्त वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। यहां पर देखिए दोस्त, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका वॉल्यूम का, यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्त तो मोलारिटी हमारा डिक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा।
इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में मोलारिटी खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाल की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया।